के पांचवें स्थान पर लाने का काम किया। और आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप यदि 2024 में आप यदि मोदी जी को वोट देते हैं तो मोदी जी ने तय किया है इस पांचवें स्थान से उठाकर तीसरे स्थान पर दुनिया में लाने का काम किया जाएगा। और साथियों आप सोचिए, इस देश को कभी सोने की चिड़िया हम कहते थे और लोग आते थे, कभी मुगल आए उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा, कभी मोहम्मद गजनी आए उसने 17 साल तक 17 बार हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, लेकिन मोदी जी ने अब सोने की चिड़िया बनाना बंद कर दिया। अब मोदी जी ने मेक इन इंडिया का सपना देखा है साथियों, और अब सोने का शेर बना रहे हैं जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। सर ऐसा भारत बनाना है साथियों, लेकिन कुछ लोग चर्चा करेंगे आरक्षण खत्म हो गया, कुछ लोग चर्चा करेंगे लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथियों, एक लोगों को भी कभी बिहार का आरक्षण नहीं दिया। लोगों को कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन लालू जी जब सत्ता से हटे तो कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, जनता ने बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया साथी, और क्रिकेट नहीं खेल पाया तो ये पानी घोटे रह गया क्रिकेट में, इसको भी मुख्यमंत्री बना दो, इसको भी बना दिया। आप सोचिए साथियों, एक तरफ लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गरीबों को न्याय नहीं दिया, कभी आरक्षण नहीं दिया। लेकिन लालू जी जब सत्ता से बाहर होते हैं रोज चर्चा करते हैं, हम तो आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, संविधान खतरे में है। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है साथियों कि आप किसी भी हालत में, अब तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी पुनर्जन्म हो जाए तो इस देश में फिर से कोई संविधान बाबा साहब अंबेडकर भी नहीं बदल सकते हैं साथियों, ऐसा भारत बन चुका है। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से, आप भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी का साथ दीजिए और मोदी जी लगातार भारत को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अस्वस्थ रहिएगा साथियों, जिस तरह देश में मोदी जी ने एकदम तय कर दिया है कि देश में अब किसी भी भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा साथियों उसको जेल जाना पड़ेगा। और आपने उदाहरण देखा साथियों, आज केजरीवाल अरविंद केजरीवाल कहाँ है, जेल में है, हेमंत सोरेन कहाँ है, जेल में है, और लालू प्रसाद जी पर लगातार केस चल रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी जेल में है। लेकिन साथियों हम लोगों ने भी कानून बनाया है, अभी बिहार में कानून बनाया है साथियों, बिहार में 3 तरह के माफिया को समाप्त करना है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या तो उसको भगुआ के जेल के अंदर बंद करूंगा, नहीं तो वो बिहार छोड़कर भागना शुरू कर देंगे साथियों, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये कानून का राज स्थापित करना है। इसलिए निवेदन करना है, ये सुंदर बिहार बनाना है तो सुंदर भारत बनाना होगा, और सुंदर भारत बनाने के लिए एक एक वोट किसको देना होगा, सुरेश राम जी को, मां कमल के छाप पर जैसे ही कमल छाप के निशान पर वोट देंगे, 1 तारीख को जैसे ही वोट डालेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और सुरेश राम जी दिल्ली पहुंचेंगे, वैसे ही मोदी सरकार देश में स्थापित हो जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह करना कि देश में 3 चरण का मतदान हो चुका है,
और इस तीन चरण के मतदान में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि जब 4 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की साथियों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम लोगों का प्रतिनिधि, हम लोगों का चुना हुआ सांसद जो यहाँ से दिल्ली जाए वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की बगल में बैठ कर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करे, आप लोगों की विकास की परियोजनाओं को कार्य कराने का काम करे। और ऐसे में सुरेश भाई से बेहतर और कोई प्रत्याशी नहीं हो सकते। और यही आग्रह करने आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था 1 दशक पहले तक कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हम लोगों को गर्व होता है ये कहने में कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनके सबल कंधे पर, सबल हाथों में हमारा भारत आज सुरक्षित है। और सुरक्षित सिर्फ सीमा पर नहीं है, हम स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी सुरक्षित है, आर्थिक दृष्टि से भी सुरक्षित है और समाज के लोगों को भी फायदा देने में भी हम सुरक्षित है। ऐसे बड़ा नेता को छोड़ करके हम लोग किसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए जो उनका नारा है कि अब की बार 400 पार हम लोगों को करना है, ये आपसे गुजारिश है। और बिहार में एक बात कहना चाहते हैं कि गत 2019 में हम लोग 39 सीट जीते थे, 1 सीट की कमी रह गई थी। और आज 10 वर्षों में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी मिल करके बिहार को डबल इंजन की सरकार के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि 1980 का कसर हम लोग दूर करेंगे और 400 सीट हम लोग जिता करके संसद में भेजेंगे। ये हम लोग का संकल्प लेना चाहिए। आपका प्रत्याशी बहुत काबिल अच्छे यंग है, आपकी सेवा के लिए उन्होंने सौगंध खाई है, संकल्प लिया है, तो हम समझते हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज हर तरह से नीतीश कुमार के हाथों में हमारा बिहार सुरक्षित है। आज 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती है। आज पटना किसी भी जगह से 4 घंटा और 5 घंटा में पहुंच जाते हैं, हर गांव में सड़कें हो गई हैं। ये सारा काम नीतीश कुमार का है। और जैसा कि साथियों ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी किस कदर हमको आगे बढ़ाए हैं, उसका एक उदाहरण दे करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। और वो है कि पहले भारत का जो प्रधानमंत्री होता था उसकी बातें कोई नहीं सुनता था, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री अगर कहते हैं तो उसका बात संसार के लोग सुनता है। और लालटेन जब बुझेगा तभी बिहार के बिहारी शब्द का सम्मान बढ़ेगा, बिहारी के सांस्कृतिक विरासत बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। यही जनता थी 2010 में सब बिहारी मिल कर करके आपने उस जंगल राज वाले को 5 सीट पर सिकता किया था। न माई समीकरण काम आया, न बाप समीकरण काम आया। 2025 में हम सब बंधन को तोड़ देंगे, जाति पाति और धर्म से बाहर निकलकर हम बिहारी सब प्रभारी ये भाव से कदम बढ़ा देंगे तो बिहार का भविष्य बन जाएगा, हमारा आने वाला पीढ़ी का भविष्य बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी,
सबने संकल्प लिया है कि विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार को बनाने के लिए ये अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस की जमात को मिटाना है, खत्म करना है। बिहार के लिए एक अभिशाप है, जब तक ये लोग रहेंगे बिहारी सब सम्मानित नहीं हो सकता, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। ये जातीय जहर के लहर का कहर ढाते रहेगा, समाज को लड़ाते रहेगा, नरसंहार कराते रहेगा और भ्रष्टाचार करके अचूक संपत्ति कमाएगा। ये वही लोग हैं जो चार्टर विमान पर बर्थडे मनाता है, ये वही लोग हैं जो बिहार की जनता के भविष्य को खराब करता है, बदनाम करता है, निवेशक नहीं आता है, रोजगार का अवसर पैदा नहीं होता है। और नियुक्ति के नाम पर तो ये कितना बड़ा घोटाला जमीन दिखाता है। ये कहते हैं हमने नियुक्ति किया शिक्षा विभाग के अंदर, इनके मंत्री वे रामचरित मानस पर प्रदर्शन दे रहे थे, विभाग नहीं जाते थे, वे बहाली का फाइल था उस पर हस्ताक्षर तक नहीं किए। और ये पांच विभाग के मंत्री थे, किसी भी विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं किया है, एक भी नियुक्ति नहीं। दोनों बार डिप्टी सीएम रहे, मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ 6 साल सत्ता में रहे। ये भ्रम फैलाता है, ये बिहार के भविष्य को बर्बाद करेगा। इसलिए करवट प्रार्थना है कि आप 40 के 40 सीट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालकर 2025 का आधारशिला रख दीजिए, ताकि 2025 में जो बिहार को सम्मान करे, बिहार का भविष्य बनाए, उसकी सरकार एनडीए की बने। ये माहौल खड़ा करने के लिए सुरेश राम जी को अपार बहुमत से कमल का बटन दबाकर मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए,